बिजनेस पर विशेष चर्चा में मान एल्यूमिनियम लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संदीप वर्मा जी मेरे साथ में हैं। संदीप जी, आपका ये इंडस्ट्री का क्या साइज है और क्या स्कोप है ऑल इंडिया लेवल पर, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए इसमें। एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन जिसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री में आती है, इसकी टोटल ओवरऑल खपत 4.5 लाख टन पर एनम है पूरे साल की, जिसके अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती हैं, जिंदल एल्यूमिनियम, हिंडालको और हम मान एल्यूमिनियम। तो मान एल्यूमिनियम जो है ये बेसिकली बड़ा कम मार्केट शेयर है, बट ये MP मध्य प्रदेश की सबसे पहली शुरू कंपनी है जो कि 1989 में एस्टेब्लिश हुई थी। एंड एल्यूमिनियम का जैसे आप देख रहे हैं कि लेकिन धीरे 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 इसका एप्लीकेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। आप LED देखें, सोलर देखें, दरवाजे, खिड़कियाँ, और धीरे 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 अपने वुड को रिप्लेस करके इंफ्रास्ट्रक्चर में धीरे धीरे करके भी एल्यूमिनियम का एप्लीकेशन बहुत अच्छा बढ़ रहा है। इसकी एडवांटेजेस क्या है, लाइफ लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है, रिसाइकलेबल वैल्यू अच्छी है, फिर आपको पेड़ों को काटना नहीं पड़ता है, तो लेकिन आप वुड को रिप्लेस करके एल्यूमिनियम में आते हैं, तो एल्यूमिनियम का स्कोप हर साल GDP से 2-3% ऊपर ही चल रहा है आपका, तो लेकिन 8-10% की ग्रोथ इस सेगमेंट में हमेशा आ रही है। और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरह से भारत सरकार का एक रोबस्ट प्लान चल रहा है लेकिन मेक इन इंडिया, तो इसके अंदर हम लोग, हमारी सोच ऐसी है कि हम लोग लास्ट 2 साल से जैसा ग्रो कर रहे हैं 12-13%, इस साल भी हम लोग 14-15% ग्रो करेंगे। जिस स्पीड से आपकी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, ओबियसली आपने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई होगी, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा साइज आपने बताया, तो आपकी कंपनी की क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और कहाँ तक आप सक्सेसफुल हुए? देखिए सर, हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये हम लोगों ने कभी भी एक सेगमेंट को टारगेट नहीं किया है, हमने डिफरेंट सेगमेंट में हम लोग कैटर करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक सेगमेंट, ऑटो सेगमेंट, हम डिफेंस में सप्लाई करते हैं, हम रेलवे में सप्लाई करते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट 40-45% हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली ऐसा स्ट्रेटेजाइज करके रखा है कि हम लोग कभी एक सेगमेंट जगह वीक पड़ता है या सीजन ऑफ में चलता है तो हमारे को दूसरे सेगमेंट में सपोर्ट मिलती है। वी ऑलवेज ट्राई कि हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसकी पूरी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रहे। सो दैट इज़ आर वेरी क्लियर कट स्ट्रैटेजी। हम लोग, हमारा कोई डीलर वीलर नेटवर्क नहीं है, हम लोग डायरेक्टली कस्टमर को कैटर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी बेनिफिट मिले वो डायरेक्ट एंड यूजर्स को मिले, एंड बिजनेस को मिले। इंडस्ट्री में क्या प्रैक्टिसेस अभी आप फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए सर, हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि लेकिन ये बड़ी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो जो मेजर यहाँ पर इंडस्ट्री में हमारे को सपोर्ट रहती है तो जो टेक्निकल इनपुट एंड टेक्निकल लोगों की एक्सपीरियंस लोगों की, तो हमारे यहाँ पर एक एज अ टीम वर्क एंड एज अ नॉलेज शेयरिंग बेसिस हम लोग धीरे 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 ऐसे सेमिनार्स अरेंज करते रहते हैं, ऐसे टेक्निकल सेमिनार्स अरेंज करते रहते हैं, अपने लोगों को बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजते रहते हैं, सो दैट वो जितना बाहर जाते हैं और नई इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लेके आते हैं, वो ही हमारा सक्सेस मंत्रा बन जाता है। जी, आपने आपके यहाँ के एम्प्लॉइज को एडवांस टेक्नोलॉजी सीखने के लिए कभी फॉरेन भेजा? हम लोगों ने क्या सीखा उनने? बिल्कुल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी हम लोग ना जैसे LED के अंदर एक हीट सिंक्स बनाते हैं, इंडिया बहुत बड़ी क्वांटिटी में हीट सिंक्स इंपोर्ट करता है चाइना से, हमारी इंडिया में बहुत कम लोग बनाते थे, पिछले 1.5 साल पहले की बात है, तो लेकिन जब हम लोग अपने टूल रूम से बात करते थे तो मेरे साहब इंडिया में तो बन ही नहीं सकता। फिर वी स्पेशली प्लान्ड अ विजिट टू चाइना, हम लोग 3-4 दिन स्पेंड करके आए, तो जो टेक्नोलॉजी उन्होंने वहाँ देखी, जो टूल रूम वहाँ देखा, जो फैसिलिटी वहाँ पे देखी, तो ऐसा नहीं था कि इंडिया में बन नहीं सकता था, लेकिन एक माइंडसेट ऐसा था, एक सोच ऐसी थी जो वहाँ जाके खुल गई, और वो ट्रेनिंग और वो एक्सपोजर मिलने से ये फायदा हुआ हमारे को कि हम लोग इतना हाई एंड प्रोडक्ट इंडिया में बना पाए जो कि हम लोग बड़े हाई एंड कस्टमर्स को दे पाए, जो कि बहुत खुश है, क्योंकि पहले वो इम्पोर्ट करते थे, 3-3 महीने में इम्पोर्ट करने में लगते थे, इतना हाई प्राइस देते थे, फिर भी उसके बाद में उनको सप्लाई पूरी नहीं मिला करती थी, जो कि हम अभी इंडिया में यहाँ पर कैटर कर पा रहे हैं। आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में चाइना से काफ़ी पीछे हैं, क्या फ्यूचर में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को कम्पीट कर पाएगा? देखिए साहब, अभी उसके लिए बहुत लंबा रास्ता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जोश और जज्बे की कमी है इंडिया में, टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट में थोड़ा इंडिया को काम और करना पड़ेगा, और थोड़ा सा पॉलिटिकल सपोर्ट भी उसमें लगेगा। पॉलिटिकल सपोर्ट इस तरीके से लगेगा कि लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, इंसेंटिव पॉलिसीज, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज एंड डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री, खासकर जो छोटे लघु और मीडियम उद्योग हैं, MSMEs, और इन इंडस्ट्रीज को थोड़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट लगेगा। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं कर रही है, पर थोड़ा सा वन ऑन वन ट्रैक्शन जो अब बढ़ा है ये थोड़ा और बढ़ेगा। जैसे हमने आज सेमिनार किया, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा,
एडिशनल डायरेक्टर डीजीएफटी हमारे यहाँ पर आए, इसी चीज से लोग आए, जीएसटी से लोग, कस्टम से लोग आए, तो एक नॉलेज शेयरिंग बेसिस का माहौल ऐसा बना कि लोगों को कुछ चीजों का पता नहीं था जो कि हमारे सामने अवेलेबल है। सो इन चीजों से ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ेगा और आपसी तालमेल भी बढ़ेगा सरकार के साथ में और बिजनेस भी ग्रो करेगा। आपने 25-30 सालों में काफी आपकी कंपनी का एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम हुआ। आज अपन मार्केट में भी देखते हैं कि डीलर लोग मान एल्यूमिनियम के नाम से भी रेट निकालते हैं जो कि वीआईपी रेट कहलाता है। तो इतना कम समय में आपकी कंपनी ने इतनी सफलताएं हासिल करी, इसका कोई राज या कोई रहस्य या क्या है कि हमारा राज बिल्कुल सिंपल है कि हम दो चीजों पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करके चलते हैं, क्वालिटी और सर्विस। हमारे यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनता है इसका हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि एक छोटा सा पार्ट भी अगर हमारी कंपनी से बाहर जाता है तो वो चार लेवल की इंस्पेक्शन के बाद जाता है। पहला लेवल जब रॉ मटेरियल आता है, दूसरा लेवल जब वो मैन्युफैक्चर होता है, थर्ड लेवल जब उसकी लेकिन वो फिनिशिंग चेक होती है, क्वालिटी वाला चेक करता है, और फोर्थ लेवल जब वो पैक होता है। तो चार लेवल की मतलब यू नो इस स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के बाद में जब प्रोडक्ट बाहर जाता है तो हम ये 100% इंश्योर कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट बाहर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, बाकी चीज़ों तो बात अलग है, अदरवाइज किसी को इस बारे में प्रॉब्लम ना आए। और सर्विस के मामले में हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो डिलीवरी टाइमलाइन हम कस्टमर्स को बोलते हैं कि हम आपको तब माल देंगे तो हम माल देते हैं। तो क्वालिटी एंड सर्विस, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हम लोग बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, हमने कंपनी में एक ऐसा माहौल बनाया है कि हम सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, फ्रॉम लेकिन ग्राउंड लेवल वर्कर टू द टॉप मैनेजमेंट, हमारे यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। आपने जैसे भी देखा होगा हमारी कैंटीन में जो हमारे यहाँ पर फूड होता है, सप्लाई होता है, दिस इज द सेम फूड सप्लाइड टू द वर्कर, टू द अदर पीपल एंड टू द मैनेजमेंट ऑल्सो। एक ही जगह है, सब जब मिलजुल के बैठ के खाना खाते हैं। आज जो फ्यू का जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर जिसके आप ही स्पॉन्सर रहे मेन, उसमें क्या क्या विषयों पे जो डिस्कशन हुआ और क्या उसका कुछ बेनिफिट होगा कार्यक्रम का? बिल्कुल साहब, बिल्कुल बेनिफिट होगा। देखिए आप बहुत अच्छा था कि लेकिन एडिशनल डायरेक्टर डीजीएफटी हमारे यहाँ पर आए, एडिशनल डायरेक्टर एमएसएमई आए, इसी चीज से लोग आए। इन लोगों ने जो पॉलिसीज कभी कभी क्या होता है किताबों में होती है, वेबसाइट पर होती है, लेकिन लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो इंडस्ट्री के 30-40 इंडस्ट्रीज यहाँ पर आई, ल्यूपिन आया, लेकिन शक्ति पंप आया, बहुत सारी बड़ी बड़ी और अदर कंपनीज यहाँ पर आई। तो इन लोगों को जो अवेयरनेस प्रोग्राम इन्होंने दिया, इन्होंने बताया कि आपके लिए क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या इंसेंटिव्स के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, वो सभी लोगों को देखा, शेयर किया और उन्होंने सवाल जवाब हुए और उन लोगों ने एक एक क्वेश्चन, एक एक सवाल बड़ी पेशेंटली सुन के बड़े अच्छे से उनका जवाब दिया। और उसके बावजूद उन्होंने अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया कि आप कभी हमारे पास आए प्लीज फील फ्री। और हम लोगों को इतना जो प्रोत्साहन दिया इंडस्ट्री को, तो मैं सोचता हूँ ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। आज हमारे साथ है मान एल्यूमिनियम लिमिटेड के सीईओ संदीप जी वर्मा साहब, जिन्होंने एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद साहब। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।